तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो हम जानने वाले हैं डायनाटेक भी 7000 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस एम्पलीफायर का प्राइस और इसमें क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हम कितने वाट का यहाँ पर हम बेस लगा सकते हैं, दो बेस या फिर चार बेस, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस एम्पलीफायर के बारे में जो कि है डायनाटेक का भी 7000, जो कि काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि यहाँ पर फ्रंट लुक में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर डायनाटेक भी 7000 के यहाँ पर मॉडल नंबर और यहाँ पर डायनाटेक का यहाँ पर ब्रांड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और चैनल ए चैनल बी मतलब चैनल वन चैनल टू के लिए यहाँ पर आपको गेन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लिप प्रोटेक्शन सिग्नल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर में सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन बल्ब आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको जो सेटिंग है आपका पीछे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर ब्रिज मोड, स्टेरियो मोड या फिर पैरेलल मोड। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ब्रिज मोड में चलाते हैं तो आपका ब्रिज मोड का यहाँ पर इंडिकेटर शो करेगा और यहाँ पर अगर पैरेलल मोड में चलाते हैं तो पैरेलल मोड का इंडिकेटर शो करेगा और स्टेरियो में चलाते हैं तो स्टेरियो वाला जो है बल्ब यहाँ पर जलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है यहाँ पर बल्ब जो है शो कर देगा कि यहाँ पर कौन से मोड में चल रहा है एम्पलीफायर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटर यहाँ पर चैनल ए चैनल बी के लिए लिमिटर यहाँ पर मिल जाता है हमें। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या क्या हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं डायनाटेक भी 7000 के यहाँ पर स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर 8 ओम्स में आपको मिल जाता है 1400 वाट का पर चैनल आउटपुट, 4 ओम्स में आपको मिल जाता है 2400 वाट का पर चैनल आउटपुट, यहाँ पर 2 ओम्स में आपको देखने को मिल जाता है 3000 वाट का पर चैनल आउटपुट। वहीं दोस्तों बात करते हैं ब्रिज मोड में, तो यहाँ पर दोस्तों ब्रिज मोड आपको मिल जाता है 8 ओम में 4800 वाट और यहाँ पर 4 ओम में आपको मिल जाता है 6000 वाट, मतलब ब्रिज मोड में। यहाँ पर दोस्तों क्लास एच का एम्पलीफायर है, इसका डंपिंग फैक्टर है दोस्तों यहाँ पर 880। इस एम्पलीफायर का वेट हो जाता है दोस्तों 38 kg। इसका प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी फिलहाल हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हम कितने वाट का इसमें हम स्पीकर्स लगाएंगे, दो स्पीकर या फिर 4 स्पीकर। बेस स्पीकर के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि यहाँ पर हम बेस स्पीकर कितने वाट के यहाँ पर हम चलाएँगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दो बेस से, तो यहाँ पर दोस्तों दो बेस हम चलाएंगे, इसमें सिंपली 1200 या फिर 1300 वाट का यहाँ पर चला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड डालते हैं तो यहाँ पर 1500 वाट का भी दो बेस आप इसमें काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं, जो कि एम्पलीफायर भी हीट नहीं होगा, काफ़ी अच्छा आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों बात करते हैं 4 ओम्स में, जैसे कि यहाँ पर 4 बेस जो कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा 4 ओम्स हो जाता है, 2 स्पीकर एक चैनल में, 2 स्पीकर दूसरे चैनल में। यहाँ पर दोस्तों 2400 वाट का यहाँ पर आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1200 वाट का 4 बेस इसमें काफ़ी आसानी से चला सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी आपको ज़्यादा पंच आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा साउंड चाहिए तो यहाँ पर 1100 वाट का 4 बेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर कमेंट में आने वाला है कि यहाँ पर 1500 वाट का 4 बेस चलेगा या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर 1500 वाट का भी 4 बेस आप चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4.5 इंची वो स्कोल तक आप काफ़ी अच्छे से इसमें रन करवा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल तो हम डायनाटेक भी 7000 के स्पेसिफिकेशन और यहाँ पर लोड कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लिए हैं, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि इसका प्राइस आपका कितना पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं 54500 अमेजोन में यहाँ पर प्राइस है, तो इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। अगर दोस्तों यहाँ पर मार्केट में खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 51-52 हज़ार में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है, 2000-3000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आप अपने से एडजस्ट कर लेना कि आपके मार्केट में प्राइस कितना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है कि यहाँ पर आपका डायनाटेक भी 7000 का प्राइस और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, इसमें हम कितना लोड डालेंगे, 2 बेस 4 बेस, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को फटाफट से करिए लाइक, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।